बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल और थैंक यू सो मच उन सब लोगों के लिए जिन्होंने दिल खोल के सब्सक्राइब किया। और यकीनन बहुत खुशी होती है देखकर जब आप अपने चैनल को फलता फूलता देखते हैं और देखते हैं कि लोग जो हैं वो आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो दैट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। तो यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त हो चुका था और बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं उनको चेंज करवा रही थी। एक्चुअली रूटीन कुछ इस तरह से है कि सहरी करने के बाद हम सब सो जाते हैं और फिर उसके बाद लेट जोहर के वक्त ही उठा जाता है। तो यहाँ पर भी इस वक्त दोपहर का आई थिंक 12:30 हो रहे थे और मैंने बच्चों को चेंज किया, उन्हें ब्रेकफास्ट दिया और बस फिर उनको अच्छे से हेयर ब्रश कर जो है वो रेडी कर दिया था, क्योंकि हमें PCR के लिए जाना था। एज़ यू नो कि अबू धाबी में अभी भी 14 डेज का वो जो वैलिड PCR है वो भी चल रहा है। तो मॉल वगैरह में जब आपको ग्रॉसरी के लिए जाना पड़ता है तो वो करवाना ही पड़ता है, तो मुझे वो करवाने जाना था, तो मैं बस वहीं के लिए निकल रही थी। तो बस, और यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पर शेयर करने लगी हूँ, ये है मेरी बेटी का एक और शौक़। और उसका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मामा इसकी भी वीडियो बनाओ, और ये उसका मेकअप है सारा जो उसने कलेक्शन की हुई है। और आजकल बस वो कभी दादो को और कभी मामा को पकड़ लेती है और बस फिर हमें अच्छा खासा जो है वो खौफनाक बना देती है और बस हम इंजॉय करते हैं उसकी हरकतें। बच्चे शायद ऐसे ही होते हैं और लड़कियों की आई थिंक शुरू से लेकर एंड तक ऐसी ही शरारतें हैं। और यहाँ पे मोहम्मद जो है वो आजकल उसको बास्केटबॉल खेलने का इतना ज़्यादा क्रेज़ हुआ है कि वो दिन रात बस इसी की प्रैक्टिस कर रहा है और इतना हंसाता है सबको, कभी दादा के आगे करके दिखा रहा है, कभी बाबा के आगे और कभी मुझे कर करके दिखा रहा है। तो बस यहाँ पर जो है वो अब हम वापस आ गए थे PCR करवा कर भी, और फिर उसके बाद सबसे पहले तो जीनिया ने अपनी कुरान क्लास ली क्योंकि इस वक्त उसके कुरान क्लास के टाइम था, और उसके बाद फिर बच्चों को लंच में कुछ देना था तो मैंने उनके लिए नूडल्स बना ली थी। और ये नूडल्स का एक और फ्लेवर है जो कि हमने अब ट्राई किया और ये बड़ा अच्छा सा है। इसके साथ सीजनिंग का ऑयल होता है और उसके साथ डार्क सोया सॉस है और कुछ स्पाइस दिया हुआ होता है, एज़ हर किसी नूडल्स के फ्लेवर में जिस तरह से चीज़ें दी हुई होती हैं तो इसमें भी इसी तरह है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो मुझे काफ़ी डिफरेंट फील हुआ, फ्राइड नूडल्स टाइप का है। तो बस, और आज मेरा अफ्तार में कुछ ऐसा बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही थी। सुबह उठते ही मूड कुछ अजीब सा था, और जैसे कि अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे UAE में 6 रोज़ा जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता रोज़े जो है वो अपना असर दिखाते हैं और बॉडी में जो है वो अजीब सी वीकनेस सी फील होती है। तो बस आज का दिन उनमें से एक था कि मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही थी और मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था। यहाँ मोहम्मद के लिए सेपरेट जो है वो नॉन स्पाइसी मैंने निकाल लिया था और उसके बाद जो स्पाइस वाला पैकेट है वो इसमें ऐड करके जीनिया के लिए बाद में जो है वो प्रिपेयर किया था, क्योंकि जीनिया अब माशाल्लाह से बड़ी हो रही है तो उसको स्पाइसी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं उसको स्पाइसी वाले नूडल्स बना कर दे रही थी। तो यहाँ पर मैं असर की नमाज़ पढ़ के सीधी किचन में आई थी और बस मैंने फ्रिज को देखना शुरू कर दिया कि यहाँ पर क्या क्या मुझे अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो ये कल वाली जो मैंने ढाबा चना चाट बनाई थी ये पड़ी हुई थी और मैंने उसको जो है वो मज़ीद योगर्ट में ऐड कर दिया और साथ में उसमें फुल्कियाँ बॉयल करके जो है वो डाल दी थी। अगर इसकी रेसिपी किसी को चाहिए तो लास्ट वाली जो वीडियो, इसमें इसकी फुल फ्लेज बड़ी मज़ेदार सी चाट जो थी वो मैंने रेडी की थी, तो मोस्टली तो खाई गई थी, लेकिन क्योंकि रोज़ा होता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जब आप बना लें तो एकदम से खाई भी नहीं जाती हैं, तो मैंने बस ये लास्ट वाली को ही थोड़ा सा फ्रेश कर लिया था और इस तरह से मैंने लेफ्ट ओवर को वेस्ट भी नहीं किया और उससे जो है वो एक आज के लिए एक नई जो चीज़ थी वो भी बन गई। तो कल तक ये आलू चना पापड़ी चाट थी और आज ये दही फुल्की चाट बन गई थी।
तो इसी तरह आज मैंने दो चीज़ें बनाई थी, एक तो ये बनाई थी और दूसरा ये मेरे पास लास्ट दो तीन दिन से जो भी मैं चिकन की फिलिंग वगैरह रेडी कर रही थी, ग्रिल कर रही थी, उसका सारा जो चिकन है ये देखे मेरे पास इतना ज़्यादा लेफ्ट ओवर में पड़ा हुआ था और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसका क्या करूँ। तो मैंने सबसे पहले तो इन सबको बाहर निकाला और देखा कि ये किस क्वांटिटी में है और फिर मैंने इससे सोचा कि मैं कुछ इससे क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेते और कुकिंग नाम ही वेरिएशंस का है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी चिकन में कैरेट और कैबेज ऐड कर दी थी, साथ में मैंने इसमें सॉल्ट और पेपर ऐड किया था और थोड़ी सी मेयोनीज और केचप डालकर इसका एक बड़ा अच्छा सा मिक्सचर बन गया था। और फिर मैंने इसको ब्रेड पॉकेट्स बनाई थी और उसके अंदर फिल कर दिया था, तो ये बड़ी प्यारी सी बाइट्स और एपेटाइज बन गया था और इतना मज़े का था, सबने बड़ा इन्जॉय किया और रियली देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव था। इसकी जो फाइनल जो शक्ल है वो आपको एंड पे ही नज़र आएगी, अभी बस यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही थी और इसकी फिलिंग जो है ना बस इसी को ही रेडी कर रही थी। तो बस यहाँ पर ये देखें मैंने सॉल्ट और पेपर ऐड कर दिया है, साथ में केचप और मेयोनीज ऐड की है और बस अब इसको मैं मिक्सिंग करके इस साइड पर रख दूँगी और फिर आगे जाकर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसके साथ फिर क्या किया था। अब यहाँ पर मैंने जो ब्रेड है उसको अपने कटर से सर्कल में कट कर लिया है और ये सिंगल पीस ही है और इसको सबसे पहले मैंने एग में डिप किया, ये बिल्कुल प्लेन एग है, इसमें कुछ भी और ऐड नहीं किया हुआ। और उसके साथ मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम रखे हुए हैं, उसमें मैं इसको डिप करूँगी। अच्छे से इन दोनों चीज़ों में डिप करके मैंने इसको जस्ट डीप फ्राई कर लिया था और उससे जो है वो ये एक मेरे पास बड़ा प्यारा सा जो बेस है वो बन गई थी और बस अब इसको मैं डीप फ्राई कर लूँगी। ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही क्रिस्पी सा ये जो है वो मेरे पास पॉकेट रेडी हो गई। अब मैं इसको मिडल से कट करूँगी और कट करके इसकी एक पॉकेट बना लूँगी और फिर उस पॉकेट को मैंने अंदर से इस जो मैंने मटेरियल बनाया था चिकन और वेजिस का उससे मैं इसको अंदर से फिलअप कर लूँगी। और ये काम मैंने बिल्कुल एंड पे किया था, यहाँ पे सिर्फ मैंने इसकी पॉकेट बनाकर एक बार देख ली थी कि क्या ये बन भी रही है या नहीं और बस इसको मैंने साइड पे कर दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्रूट चाट बनानी स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले फ्रूट्स को जो है वो मैं ऐसा करती हूँ कि उनको सीडलेस करके और जो है वो उनको बिल्कुल क्लीन करके रख लेती हूँ वॉश करके और फिर लास्ट में उनको इस तरह से कट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सभी फ्रूट्स जो हैं वो कट कर लिए थे और उसके बाद आज मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैंगो फ्रूट जूस के फ्लेवर में ये फ्रूट चाट और यहाँ पे मैंने पोमोग्रेनेट भी इसमें ऐड कर दिए थे और बस उसके बाद लास्ट में मैंने इसके अंदर जो है वो बनाना कट किया था, क्योंकि बनाना ब्लैक हो जाता है तो मैं उसको बिल्कुल लास्ट पर ही कट करती हूँ और पहले सारा फ्रूट जो है वो कट करके रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया है मैंगो जूस, ये लखनऊ का है और बस मैं इसको ऐड करूँगी इस फ्रूट चाट में और फिर उसके बाद मैंने इसमें जस्ट चाट मसाला और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, दैट्स इट, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाएगा और ये बड़े मज़े का मैंगो जूसी सा जो फ्रूट चाट है वो रेडी हो जाती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है और इसमें इसकी जूस क्योंकि इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा मीठा होता है तो इसके अलावा इसमें और आपको कुछ भी मीठा डालने की या शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और इसका जो मैंगो जूस का एक ग्लेज है वो फ्रूट्स में आ जाता है और बहुत ही मज़े की ये जो चाट है वो बन जाती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़े की थी।
और यहाँ पे मैंने साथ में रेडी कर लिए थे समोसे और रोल जो कि मैंने ऑलरेडी बनाकर फ्रीज़ किए हुए हैं। बहुत ही, मैं हर वीडियो में ये बात कह देती हूँ कि जब भी आपका कुछ भी करने का मूड ना और आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हों तो ये चीज़ें जो बनी हुई आपके पास ऑलरेडी होती हैं ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। और मुझे इतनी खुशी हुई है कि आज मुझे मतलब बहुत कम मेहनत में जो है वो मेरा सारा काम हो गया और मैंने अपनी लेफ़्ट ओवर को भी वेस्ट होने से बचा लिया और मैंने उनसे भी कुछ ना कुछ बना लिया। तो दिस इज़ क्वाइट गुड। आपको हर वक्त कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचना चाहिए और उनसे कुछ ना कुछ बनाना। आई एम श्योर आप लोग भी इस तरह से ट्राई करते होंगे क्योंकि कुकिंग जो भी ख़वातीन करती हैं वो लाजमी जानती हैं कि ये सब कुछ करने से आपका जो कुकिंग है वो स्किल कितनी अच्छी हो जाती है। और हम सब इस वक्त सीखने के मरहलों से गुजर रहे हैं, सभी सीख रहे हैं और मैं भी सेम सिचुएशन में हूँ। कुछ ना कुछ करके, कुछ गलत करके भी हम सीखते हैं और कुछ सही करके भी सीखते हैं। बस अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ रखना चाहिए और उससे जो है वो हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और जब आपके इर्द गिर्द का सारा माहौल पॉजिटिव होगा तो फिर आप भी पॉजिटिव ही रहेंगे। कोशिश किया करें कि अपना ध्यान अपने घर की चीज़ों में और अपने घर के कामों में मसरूफ़ रखें। उससे ये होता है कि आपको बड़ी आसानी हो जाती है और आप किसी की लाइफ में भी फजूल किस्म की इंटरफेरेंस से बच जाते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने एक साइड पे पकोड़े फ्राई कर लिए थे और दूसरी साइड पर यहाँ पर ये जो मैंने फ्राई करके रखे थे ब्रेड के पीसेस उनको मैंने मिडल से कट किया है। और देखें उसको अंदर से जब मैंने ओपन किया तो वो एक पॉकेट की शक्ल बन गई और फिर उस पॉकेट में मैंने इस तरह से ये मिक्सचर बनाया हुआ था चिकन और वेजिस का उसको मैंने फिलअप कर दिया है। और ये इतने मज़े के एपेटाइज़र, छोटी छोटी पॉकेट्स बन गई थी, इतनी प्यारी लग रही थी देखने में भी और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगी। और मुझे फिर एहसास हुआ, एक्चुअली जब मैं इसकी फिलिंग बना रही थी तो मुझे बस यही ख्याल आ रहा था कि मेरा रोज़ा है और मैंने इसको टेस्ट नहीं किया ऑलरेडी चिकन में और बाकी चीज़ों में स्पाइसेस ऐड हैं और मैंने भी थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर ऐड कर दिया तो कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की और बिल्कुल ठीक ही रहा और बहुत ही अच्छा बना। तो मुझे ख्याल आया कि ये जब हम चाय वगैरह कभी हाई टी अरेंज करें तो उसके लिए ये बहुत ही प्यारी सी चीज़ है और बहुत क्विक बन जाती है अगर आपके पास ऑलरेडी चिकन ग्रिल हुआ हुआ और ये सब चीज़ें हैं तो ये बड़े मज़े से बन जाती हैं। तो वहाँ साथ ही में मेरे देखें पकौड़े, मिक्स पकौड़े मैं वेजेस वाले बना रही थी वो भी रेडी हो गए थे और दूसरी साइड पर यहाँ पर मैंने इन पॉकेट को भी फिल करके बिल्कुल रेडी कर लिया था। और ये तकरीबन आई थिंक 5 मिनट पहले अफ्तार से मैंने किया था। अदरवाइज़ किसी भी क्रंची चीज़ को आप पहले से फिल करके रख देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉगी हो जाती है और उसका टेस्ट नहीं रहता वैसा। और जी बच्चों की फरमाइशें तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जीनिया आई किचन में और उसने कहा मामा मुझे ये कल वाले स्लाइडर्स फिर खाने हैं। और थैंक गॉड कि मेरे पास इसका जो बाकी सारा मटेरियल था वो ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैंने जस्ट उसको जल्दी से असेंबल करके एयर फ्रायर कर दिया और ये भी बिल्कुल रेडी हो गए थे। बच्चों को इतने पसंद आए थे और उन्होंने बड़े शौक से खाए और आज फिर इसकी जो है वो एक और शिफ्ट लगी थी। तो बड़ी खुशी होती है देखकर जब चीज़ अच्छी बन जाती है और आपके बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और यहाँ पे बस अफ्तार का टाइम हो गया था और मैंने ये अपनी लाइट्स ऑन कर दी थी और उसके साथ टेबल भी मेरा रेडी था। हमने अच्छे से अपना अफ्तार एंजॉय किया और मज़े से सब चीज़ें खाई, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी। सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है कि सभी शौक से खा लेते हैं और कुछ भी ऊपर नीचे स्पाइस नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला का कोई एहसान ही होता है रमज़ान में, अदरवाइज़ हम लोग टेस्ट करके चीज़ें ख़राब कर देते हैं और रमज़ान में बिना टेस्ट के ही सब कुछ इतना अच्छा बन जाता है। और ये इफ्तार के बाद की वीडियो मैंने शेयर की है जिसमें बच्चे आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे और मैं पी रही थी चाय क्योंकि चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और ये मुझे अपने करीब बकाला से नज़र आई, ये हम बचपन में खाया करते थे और मैंने ये लास्ट डेज में भी हम बहुत खाते थे एक्चुअली। तो बस ये पीनट वाली जो स्वीट्स होती हैं तिल वाली और ये मुझे बड़ी पसंद थी तो मैं आज ये लेकर आई थी चाय में, हमने साथ में ये खा ली। और साथ में जो हमारी आजकल खबरें चल रही हैं वो भी हमने सुनी और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही होती है। और बस दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा बिकॉज़ आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।